नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर में रंग पंचमी की रात सदर इलाके में धार्मिक गाना बजाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने भिड़ गए। इसकी वजह से यहां पर तनाव जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव की गई। बता देते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां चलाई। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना सदर के 12 मोहाल की बताई जा रही है। आरोप है कि धार्मिक गाना बजाने को लेकर ई रिक्शा चालक और उसके दोस्त पर एक समुदाय की भीड़ ने पिटाई की। वहीं बीच बचाव करने पहुंची भीड़ में से एक युवक पर धारदार हथियार से भी हमला कर दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद शहर के 4 थानों की पुलिस यानी कि ब्रज वाहन रिजर्व पुलिस थाना प्रभारी और एडिशनल SP और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने में 10 से 12 राउंड आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां चलाई। भारी पुलिस बल मौके पर देर रात तक मौजूद रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं भाजपा कांग्रेस नेता और हिंदू संगठन से जुड़े लोग कैंट थाने पहुंचे हैं। ई रिक्शा चालक और युवक पर चाकू से हमला और पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने यह बताया है कि दो पक्ष आमने सामने आ गए और स्थिति कंट्रोल में है। वहीं CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।